जय हिंद एवरीवन, मैं आशु मलिक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ देहरादून डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज है ये क्लास फर्स्ट है मैट्रिक्स की, और हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे सितंबर में अपना एडमिशन या जो बच्चे सितंबर में आप लोग फॉर्म फिल करोगे उनके लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है ना। डेली क्लास होगी इसकी 6 बजे से 7 बजे तक, है ना। अभी मैंने एक मैराथन पढ़ाई हुई थी आपको सिक्वेंस एंड सीरीज की, तो सिक्वेंस सीरीज वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो 6 बजे से 7 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हम लोग इसकी क्लास लेंगे आपकी, ठीक है बच्चों। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स की क्लास फर्स्ट है, ठीक है बच्चों, और हम मैट्रिक्स ही स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो जल्दी से सब बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और ये जो मतलब ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए चला रहे हैं, सितंबर 2023 के लिए, हाँ। सितंबर में जो अटेम्प्ट होगा एनडीए का 2023 में, उसके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, ठीक है ना, रोज शाम 6 बजे, और हम जितना भी आपसे हमारी हम लोगों से आपकी हेल्प हो पाएगी हम उस हिसाब से आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ज़्यादा ना टाइम खराब करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा दिक्कत जब करेगा जब इसमें जब हम लोग पीएनसी लगाने लगते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पता करता हूँ आप लोगों से। आप 12th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। एक क्वेश्चन है मेरा, एक ही मैट्रिक्स मेरी ए मैट्रिक्स है ना, जिसका ऑर्डर 2x2 है, और एक मैट्रिक्स ये है, एक डिटरमिनेंट है मेरा बी डिटरमिनेंट, है ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करके बताऊं। मैट्रिक्स ए की और डिटरमिनेंट बी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। गुड इवनिंग अर्चना कुमार, गुड इवनिंग बेटा, है ना। ये मान लो अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे जिससे सहूलियत हो जाए तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों बताओ मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझोगे इस बात को कि आप लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, है ना, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलती है। कभी भी तुमसे कोई मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवाए तो आपका साफ तौर से आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों नहीं होती है, बट डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, समझ गए बात को। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2, और ये कितना हो जाएगा -8, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। अगर तुम्हें मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा डिटरमिनेंट में, तब इसकी क्या निकालेंगे आप, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को अगर मान लो तुमसे कोई कॉमन सेंस के क्वेश्चन पता करे और तुम वैल्यू निकालने एकदम लग जाओ, कुछ अकलमंदों ने तो कर दिया होगा ये काम, है ना, वो काम करोगे तो हाथों हाथ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ गए नहीं बात को।
ठीक है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, बस इन्हें उलट पुलट करके खेलना सीखेंगे। जो ये बच्चा खेलना सीख जाएगा अच्छे तरीके से, सोल्व करना सीख जाएगा, उसका चैप्टर बड़ा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स क्या है भाई? अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट का। समझ गए बात को? ठीक है ना। अच्छा मैं कुछ लिख रहा हूं, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे इन ऑफ एलिमेंट विच इन एम रो एंड एन कोलन ठीक है भाई। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है ना, इन विच द एलिमेंट इन एम रो और किस में होते हैं? एन कॉलम। समझ आ गई बात? हमेशा ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो किस में होते हैं? एम रोज में हो सकते हैं और एन कॉलम में हो सकते हैं। समझ गए बात को? अच्छा अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मे बी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर एक बात को और समझेंगे कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा भाई, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हो कैसे हो, भाई रियल हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है बच्चों। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताओ, है ना। तो मैट्रिक्स समझ गए होंगे, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन एरे, है ना। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को हम एरे बोलते हैं। जब कंप्यूटर साइंस, अगर आप कोई लोग कंप्यूटर साइंस से बीटेक करेंगे ना, तो उसमें एक कंप्यूटर साइंस में जब हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना, तो सी लैंग्वेज के अंदर एरे होता है। तो एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे एक्चुअल में ना बहुत सारे चीज़ों को सिमिलर चीज़ों को कलेक्ट करके एक साथ रख देते हैं, उसको हम एरे बोल देते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात को आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक ही डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 2×3 है और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, तुम मेरे को बस कमेंट बुक में ये बताओ तुम फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं, यस और नो में, बस हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, यस और नो। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है या नहीं हो सकती बच्चों? अगर यस है तो यस लिख दो, नो है तो नो। अर्चना कुमार लिख रही है नो। बाकी और बच्चे बताओ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है नहीं हो सकती है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि डिटरमिनेंट में हमेशा आप लोग याद रखेंगे डिटरमिनेंट स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है? स्क्वायर। समझ आ गई नहीं बात? और ये क्या है भाई? स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। ये क्या है भाई? रेक्टेंगल। तो इस वजह से यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। समझ गए बच्चों? हमेशा ध्यान रखेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है? स्क्वायर। समझ रहे हो? बट इस बात का भी हमेशा ध्यान रखेंगे, किस बात का? कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गए? हाँ या ना, क्लियर होनी चाहिए। अच्छा अब कॉन्सेप्टली आप लोग बड़े अच्छे होने चाहिए ना, तुमको पता तो हो यार क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से। एक्चुअली तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की ना।
देखो पेपर में अगर अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जब वो पता करेगा तो आप लोगों को भाई अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज तो तुम एग्जामिनर खिलाई देता है ना, बेवकूफ बनाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। यूपीएससी है भाई, यूपीएससी है, 6 क्वेश्चन पूछती है, ठीक है बच्चों, ये आप लोग समझ गए। अच्छा आप बड़े समझदार बच्चे हो, तो मैं तो बस ये बात बता नहीं चाह रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है ना। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा बहुत स्लो स्लो, लेकिन हम क्या स्लो स्लो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये नहीं कि बहुत जल्दी 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 काम को करेंगे, उससे दिक्कत ही होगी भाई, ठीक है। देखो अगर एक मैट्रिक्स ए है ना, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, देखो ये वाला पोजीशन क्या होती है एलिमेंट की, A11, हाँ है ना, क्योंकि हम मैट्रिक्स को जो लिखते हैं वो किसमें लिखते हैं, एमरोज और एन कॉलम, ये क्या होगा इसकी पहली रो होगी और ये क्या हो जाएगा इसका पहला कॉलम, यानी कि ये कौन सा पोजीशन होगी भी एलिमेंट की, A11, ये क्या हो जाएगा A12 और ये A13 और इस तरह से चलता गया A1n तक, मान लो ये n कॉलम तक चला गया, ठीक है भाई। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम और दूसरी रो और nवां कॉलम, समझ गए बच्चों। अच्छा ये कितना है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम और ये कहाँ तक चला गया, तीसरी रो और nवां कॉलम, इस तरह से हम लोग गए। और ये मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये m रो हो गई और पहला कॉलम रहा, ये m रो हो गई दूसरा कॉलम रहा और ये m रो हो गई और तीसरा कॉलम रहा और कब टू कहाँ तक चली गई, m रो हो गई और चौथा कॉलम रहा, और ये मैट्रिक्स कितने की हो जाएगी, m इंटू एन, क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, m इंटू एन, हाँ है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं इस मैट्रिक्स को कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स ए है ना। अच्छा मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करते हैं, डिनोट जो करते हैं मैट्रिक्स को भाई, वो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए आई जे, क्या लिख सकते हैं, आई जे एम इंटू एन ऑर्डर, ठीक है भाई। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख दूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हमेशा ध्यान रखेंगे A i j, जो इसमें i वाली बात है वो हमेशा किसकी बात करेगा, नंबर ऑफ रो की, किसकी, नंबर ऑफ रो की, या रो की बात करेगा, नंबर ऑफ रो, और ये j जो बात करता है किसकी बात करता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात, हाँ है ना, क्लियर है नहीं है, हाँ है ना। मैं इस बात को, इस वाली मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई जो बात करता है रो की बात करता है और जे जो बात करता है वो किसकी बात करता है, कॉलम की बात करता है, है ना। अच्छा हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिख रहे हैं, कभी भी किसी मैट्रिक्स का हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं। तो जब मैं ऑर्डर लिखने जाता हूँ किसी भी मैट्रिक्स का, क्या लिखने जाता हूँ बच्चों, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे बता देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखो भाई ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं कैसे लिखता हूं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कैसे लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या, ये किसी, इस चीज से हम क्या लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को, हमेशा रो पहले लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे, कॉलम, है ना। छोटी छोटी बातें जो हमको पता होनी चाहिए, जब तक ये चीजें पता नहीं होंगी भाई दिक्कत करेंगी, समझ गए नहीं बात को, हाँ यार। अब मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, इन पॉइंटों को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट लिखेंगे हम लोग, पॉइंट क्या है हमारा, पहला देखो, इन मैट्रिक्स रो किसके बराबर हो सकती है, कॉलम के बराबर हो भी सकती है और रो कॉलम के बराबर नहीं भी हो सकती है ना, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैट्रिक्स के केस में रो कॉलम के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सही बात है नहीं भाई? ठीक, पॉइंट नंबर टू देख लेंगे। इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम इज ओनली पॉसिबल ठीक है ना, रो कॉलम के बराबर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन ये स्टेटमेंट सही लिखा नहीं लिखा, इस पर ध्यान से ध्यान दो, बताओ। इनडिटर्मिनेंट रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम इज ओनली पॉसिबल, अगर रो कॉलम के बराबर नहीं होगी यही तो पॉसिबल होगा। हाँ तो लेकिन ये क्या ओनली पॉसिबल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझ रहे हो? सिर्फ घुमा देगा ना एग्जामिनर, खेल जाओगे, समझ गए रे बात को? और अगली बात देखेंगे भाई, मैट्रिक्स इज ओनली अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज ओनली अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स क्या है? सिर्फ अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट का। अच्छा, मैट्रिक्स में और नो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी पॉसिबल मैट्रिक्स में नहीं, समझ गए बात को? देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिनेंट में हम लोग निकाल भी लेते हैं, बट मैट्रिक्स की केस में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती, समझ रहे हो बात को? और हमेशा ध्यान रखेंगे डिटर्मिनेंट में रो कॉलम के बराबर होना ही चाहिए, तभी ये डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हैं, है ना? बट एक बात को और ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स में रो कॉलम के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर होगी बात? हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये और ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी नहीं निकल सकती है, बट डिटर्मिनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी निकल सकती है, ठीक है? ठीक है बच्चों, एक चीज को और ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन देता हूं मैं छोटा सा, आप देखेंगे उस सवाल को कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 ए आई जे इज मोड आई माइनस 2j। कोशिश करो एक से दो मिनट इस सवाल को पढ़ने की सिर्फ, ठीक है भाई? फिर उसके बाद इस सवाल को मैं कराता हूं। देखो भाई मेरे, अगर मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 ऑर्डर, 2 by 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है, तो सॉल्यूशन देख लेंगे आप लोग। पहली बात तो एक एक बात होता है, 2 by 3 की मैट्रिक्स का ये पोजीशन कौन सी होगी? a11 a12 और a13, ये कौन सी हो जाएगी? a21 a22 और a23। ऑर्डर बोलना भाई इसका 2 into 3, क्या ये बनेगी नहीं बनेगी? हाँ है ना, ये बनेगी, पोजीशन तो ये होंगी एलिमेंट की, पक्की बात है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर पोजीशन इन एलिमेंट की ये होगी, अगर मैं इसमें आई की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, पहला एलिमेंट निकालने जा रहा हूँ और मैं आई की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, और जे की वैल्यू को मैं कितना पुट करूँगा यहाँ, जे की वैल्यू को भी 1 पुट करूँगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 1, तो कितना आ जाएगा? -k 1, लेकिन मोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मोड, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा? +1, क्लियर होगी बात? अच्छा अगर मैं अगला एलिमेंट निकालने गया तो वहां क्या हो जाएगा? i की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1, j की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2, तो -k 4
और प्लस वन, तो कितना है माइनस के थ्री, लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ है मोर, तो प्लस के थ्री। क्लियर हो गई बात। अच्छा एक चीज और देखेंगे बच्चों, अगर मैं आई की वैल्यू रख रहा हूं वन और जे की वैल्यू रख रहा हूं थ्री, तो ये कितना हो गया थ्री टू जा सिक्स, तो माइनस सिक्स यानी कि ये कितना हो जाएगा प्लस के वन माइनस के सिक्स यानी कितना हो जाएगा माइनस के फाइव, और मोड लगा हुआ तो प्लस के फाइव। क्लियर हो गई बात। तो ये आ गया हमारा बच्चों प्लस के फाइव, ये वाला एलिमेंट। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये कितना रहेगा टू माइनस वन इन टू, तो ये कितना हो जाएगा मोड बाहर लगा हुआ है इसके, तो कितना है जीरो, और जीरो का मोड क्या हो जाएगा भाई जीरो। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा टू माइनस टू, तो ये कितना जाएगा माइनस के टू का मोड, मोड लगाएंगे तो कितना जाएगा टू, हाँ है ना, और ये कितना हो जाएगा टू माइनस टू इंटू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के सिक्स, हाँ है ना, और इंटू टू मोड लगाएंगे तो कितना जाएगा प्लस के फोर। क्लियर हो गई बात भाई। और इसका ऑर्डर कितना है टू इंटू थ्री, समझ गए बात को। और ये हमारे एलिमेंट, देखो एक बच्चे ने लिखा हुआ भी वन थ्री फाइव जीरो टू फोर, बिल्कुल सही है, समझ आया, ये एलिमेंट निकल जाएंगे। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है किसी बच्चों को, तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। ये मैट्रिक्स की क्लास फर्स्ट है, इसके बाद हम सेकंड क्लास लेंगे, थर्ड क्लास लेंगे, इस हिसाब से आपका कोर्स चलता रहेगा। देखो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाई थ्री, एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर कितना है भाई दो बाई तीन का। और मैं इस बार क्वेश्चन को बदल देता हूँ कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइडेड बाई टू, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई टू। क्वेश्चन सिर्फ यही है, बस इस बार इसके अकॉर्डिंग इस सवाल को करना है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इस बात को। पहली बात तो आप लोग इस बात को समझ गए कि ऑर्डर जो बनेगा वो मैट्रिक्स का दो बाई तीन का बनेगा। ऑर्डर जो बनेगा मैट्रिक्स का हम लोगों का कितने का बनेगा बच्चों दो बाई तीन का, यानी कि ये जो एलिमेंट होगा वो वन वन होगा, ये वन टू होगा, और ये कौन सा हो जाएगा वन थ्री हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा टू वन हो जाएगा, ये टू टू होगा, और ये कौन सा हो जाएगा टू थ्री हो जाएगा, और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री। क्लियर हो गई बात, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका एलिमेंट निकालने जाऊं तो मन मन में सोल्व कर सकते, वन प्लस वन कितना आया टू डिवाइडेड बाई टू कितना आया वन, वन प्लस टू यानी कि थ्री बाई टू, और ये कितना है फोर अपॉन टू यानी कि कितना आया टू, ये कितना है थ्री बाय टू, और ये कितना आया फोर बाय टू यानी कि टू, और ये कितना आया फाइव बाय टू। हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, समझ गया बात को बच्चों, क्लियर हुई ना। तो बड़े आसान तरीके से आई और जे की वैल्यू हम रख देंगे भाई मैट्रिक्स के जिस जिस पोजीशन की जो है, और निकाल देंगे। अजय सिंह ने बिल्कुल निकाल दिया है, अजय सिंह बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, आपका आंसर भी सही है। जो बच्चे हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं इस हमारे इस सेशन को सब लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी रो को लिखता हूं या किसी भी मैट्रिक्स को लिखता हूं, रो को गलत बोल रहा हूं मैं, किसी भी मैट्रिक्स को लिखता हूं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखते होंगे m इनटू n, हाँ है ना। अगली वाली बात रो को रिप्रेजेंट करी और पिछली वाली बात कॉलम को रिप्रेजेंट करी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे जब मेरी रो की वैल्यू वन हो जाए, रो की वैल्यू कितनी हो जाए वन, और कॉलम कितने भी हो जाए, जब हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह का नजर आए, ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स होंगी बच्चों वो क्या कहलाएंगी रो मैट्रिक्स कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी ओनली वन रो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लिखेंगे रो मैट्रिक्स। सबसे पहले डालेंगे रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो समझे बात को, हमेशा ध्यान रखेंगे
जब भी मैट्रिक्स का रो कितनी हो, एक हो, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स होंगी उनका क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, यानी कि 1 × n जिसका भी ऑर्डर होगा वो क्या कहलाएंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी है और इसका ऑर्डर कितना है, 1 × n। कैसी मैट्रिक्स है भाई बच्चों, रो मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। समझ गए बात को, अच्छा सेम एज इट इज, इसी को ही आप लोग समझते हुए इस चीज को देख लो कि अगर मैं इसका ऑर्डर m into n लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, m into n, अगर मैं m तो रो रहने दूं लेकिन कॉलम कितना कर दूं, एक कर दूं, कॉलम कितना कर दूं भाई, एक। समझ रहे हो, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m into n लिखता हूं और मैं आप लोगों से कहूं कि भैया रो कितनी भी हो सकती है, यानी कि m को मैं एक कितना कर रहा हूं, कितना भी, और n को कितना कर रहा हूं, 1, इस तरह की मैट्रिक्स क्या नजर आती है भाई तुम्हारी, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों भाई जी, तो सही बात है, नहीं आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ना, तो हमेशा ध्यान रखें ओनली वन कॉलम, वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, अब जैसे अगर एक एग्जांपल देना हो मेरे को, तो जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए और इसके अंदर एलिमेंट लिख रहा हूँ 2 − 3 − 2 − 4 − 6, ऑर्डर बोलना भाई इसका, 4 रो है और कॉलम कितना है, एक। इस तरह की मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएंगी भाई, कॉलम मैट्रिक्स। समझ गए बात को, किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा एक बात बताओ, हमारी रो भी हो गई, कॉलम भी हो गई, अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसकी बात करूँ भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत सारी ब्रांच बनती है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लोगे फिर जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसी का पार्ट होगा, फिर स्केलर मैट्रिक्स भी उसी का पार्ट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी का पार्ट होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी उसी का पार्ट होगा, अपर ट्रायंगुलर भी उसका होगा, लोअर ट्रायंगुलर भी उसका होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, बच्चों हमेशा इस बात को अपनी दिमाग में गांठ बांध लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डाल दिमाग में रखना ही है इस बात को कि रो इज इक्वल टू कॉलम, रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स जिनके अंदर रो इज इक्वल टू कॉलम हो जाए वो सब मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, एक इसी का ही अपोजिट एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम जानते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से, किससे जानते हैं भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे कि रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। अच्छा अगर मैं इन दोनों का एक एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, मैं ये कह सकता हूं कि एक मैट्रिक्स ए है और ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 3 − 0 − 5 − 2 − 2 − 2 − 0 − 3 − 4, ऑर्डर बोलना भाई बाबू इसका, तो आप कहोगे सर 3 × 3, क्या रो कॉलम के बराबर है, ये मैट्रिक्स आपको कैसी नजर आई, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए, अच्छा अगर मैं ए की मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिख देता हूँ, अगर बी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 − 5 − 6 − 7 − 8 − 9, बोलना भाई इसका ऑर्डर बोलना 2 × 3, क्या रो कॉलम के बराबर है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है, इस केस में रो कॉलम के बराबर नहीं है, बट इस केस में रो कॉलम के बराबर है। तो जिस केस में रो कॉलम के बराबर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स और जिस केस में रो कॉलम के बराबर नहीं होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गए बच्चों, अच्छा एक चीज को और ध्यान रखेंगे, अगर रो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आ गया, अब एक चीज होती है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उस पर बात कर लेते हैं भाई। देखो पहली बात तो हमेशा ध्यान रखेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैं आपको यहां लिख भी देता हूं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट of the square matrix
इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. इट्स कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स है ना, पहले तो ट्रेस निकालने के लिए क्या होना चाहिए भाई, स्क्वायर होना चाहिए चाहिए. उनके डायगोनल का अगर हम सब कर देंगे तो ट्रेस निकल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ और मान लो उसके एलिमेंट ये ए वन वन था, ए वन टू था, ए टू वन थ्री था, ए टू वन था, टू टू था, ये टू थ्री था, ये थ्री वन था, ये थ्री टू था और ये थ्री थ्री था. ऑर्डर बोलना भाई इसका, थ्री इंटू थ्री. अगर मैं इसके, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, पीपी बोलते हैं भाई. क्या बोलते हैं इसको? पीपी, प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हम पीडी के नाम से जानते हैं. ठीक है भाई. और ये जो है एच डी के नाम से सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं हम इसको? सेकेंडरी डायगोनल. एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब भी मैं किसी भी मैट्रिक्स जैसे ट्रेस ऑफ ए निकालना हो मेरे को, ट्रेस ऑफ ए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो एलिमेंट होगा ए वन वन, ए टू टू और प्लस ए थ्री थ्री, जैसे ही मैं ये कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए. ए का मेरे को क्या मिल जाएगा? ट्रेस मिल जाएगा, है ना. तो ट्रेस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो भैया पहले तो इसको ऐड चेक करना पड़ेगा, फिर मेरे को प्रिंसिपल डायगोनल का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा और मेरा क्या आ जाएगा? ट्रेस हो जाएगा मैट्रिक्स. क्लियर हो गई बात? हाँ है ना, देख लो समझ लो. बिल्कुल सही बात. आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं. एक सवाल लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इस सवाल पे भाई. अच्छा सवाल. एक मैट्रिक्स ए है और ए के जो एलिमेंट है वो लैम्डा का स्क्वायर 6 8 3, बीटा का स्क्वायर 9 4 5, गामा का स्क्वायर. एक मैट्रिक्स बी है 2 अल्फा 3 5 3 2 बीटा 9 4 5 गामा 3 वगैरह के ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी. फाइंड 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा. ठीक है भाई. अगर मैं इस सवाल को आपको दूं तो देखो सवाल करना, देखते हैं किस तरह से कर पाते हैं. मेरे को एक बात बताओ बच्चों, पहली बात तो तुम ये बताओ कि ट्रेस निकालना आता है नहीं आता है? तो आप कहोगे आता है. क्या मैं इसका ट्रेस निकाल सकता हूँ? आप कहोगे सर इसका भी निकाल सकते हो. मैं कहूँगा क्या इसका ट्रेस निकाल सकता हूँ? तो आप कहोगे सर आप इसका भी ट्रेस निकाल सकते हो. क्या मैं दोनों का ट्रेस निकालने में सक्षम हूँ? इसका ट्रेस निकालने में सक्षम हूँ और इसका ट्रेस भी निकालने में सक्षम हूँ. ट्रेस निकालने जाऊँगा तो क्या आएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, हाँ है ना. अच्छा इसका ट्रेस निकाल ले जाऊंगा तो कितना जाएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस. क्लियर हो गई बात? अच्छा अगर मैं इसे करेंगे अल्फा का स्क्वायर, इसको भी अल्फा लिख देता हूँ यार मैं. तो अब देखो बहुत ध्यान से देखना जो मैं इस सवाल में करूँगा. एक बात बताओ, ये प्लस के 2 अल्फा है, किसका अल्फा है भाई? ये प्लस के 2 अल्फा. अगर मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस के 2 अल्फा हुआ है नहीं हुआ? पक्की बात है. अच्छा इनको जो माइनस 3 है तो इसे ऐसे लिखूंगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1. ठीक है, एक माइनस 1 को इधर ले आओ, कितना है? प्लस 1 बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा, ये वाले को उठाया और यहाँ ले आए, और ये कितना है? माइनस
नहीं प्लस वन, क्लियर। प्लस गामा का स्क्वायर माइनस टू गामा, और ये कितना है माइनस वन, और एक तरफ आ गए तो माइनस वन होगा, प्लस वन, प्लस वन होगा बाबू, समझ गए नहीं हो? ये कितना हो जाएगा प्लस वन। अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे को, क्या ये अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर हुआ है नहीं हुआ? भाई तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो आती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, समझ रहे हो? अच्छा ये कितना होगा बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा गामा माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं तुम्हें जो खूबसूरती बताऊंगा इस सवाल की, कि देखो किसी भी स्क्वायर का सम, किसी के भी स्क्वायर का, तीन स्क्वायर का सम तभी जीरो हो सकता है जब क्या हो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी क्या हो जीरो, उससे पहले जीरो नहीं हो सकता। यानी कि मतलब इसे जीरो बनाने के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी प्लस वन, इसको जीरो बनाने के लिए बीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी प्लस वन, और गामा को जीरो बनाने के लिए प्लस की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी प्लस वन, मिल गई। अब ये जीरो बना, ये भी जीरो बना, ये भी जीरो बना, अरे ये किसके बराबर आ गया जीरो के। अच्छा अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो वन अपॉन अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है वन, वन बाई वन यानी वन, ये कितना हो जाएगा बीटा, यहाँ रखेंगे तो कितना जाएगा वन बाई वन वन, गामा की वैल्यू वन बाई वन वन, तो ये कितना आ गया भाई थ्री। समझिए सवाल को, किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, ठीक है भाई। एक बार ध्यान से इसे निहारो, देखो अच्छे से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ठीक है भाई, एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में। जब तक क्लियर नहीं होनी ना चीज़ें, तब तक कोई मजा नहीं आने वाला, समझ रहे हो? और जो बच्चे सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो अभी से देखना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली मैं आप लोगों का बहुत हेल्प कर दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन नोट हेडिंग डाल लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखो राइटिंग मेरी सुंदर है, बचपन से सुंदर है, क्योंकि मैं राइटिंग गलत लिखता था तो मेरे घर पर पिटाई पड़ती थी, मेरे हाथ पर डंडी लगती थी, वैसे साफ है थोड़ी, मेरे को ऐसा लगता है राइटिंग साफ है। कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हें लगता है नहीं लगता मेरी राइटिंग साफ है। पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए भाई ध्यान रखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। इट्स क्या होना चाहिए भाई, स्क्वायर होना चाहिए। जब तक स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल नहीं निकाल सकते, क्या नहीं निकाल सकते हम, समझे भाई, है ना? अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सबसे पहले क्या कंडीशन रख दी उसने भैया, स्क्वायर हो, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, इसका डी वन जीरो जीरो जीरो, डी टू जीरो जीरो जीरो, डी थ्री, मेरे को ऑर्डर बताओगा कोई इसका, थ्री बाई थ्री। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए मैट्रिक्स डायगोनल डी वन डी टू और डी थ्री, ठीक है ना? तो जब हम डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के अगल बगल के एलिमेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए, इस बात को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और एक कलाकारी और बताऊंगा तुम्हें, देखो अच्छा मैं फिर पूछूंगा तुमसे, हाँ ना में जवाब देना कमेंट बॉक्स में। ये डी वन जीरो 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 डी टू, क्या अभी ये भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, समझ गए बात को, हाँ है ना? यही तो, कैसे? क्योंकि ऐसा दो एलिमेंट तो मतलब मैंने क्या कहा कि अगल बगल को छोड़ के, है ना, डायगोनल में दो एलिमेंट तो है ना, अगल बगल वाले जीरो है, तो ये डायगोनल ऑफ, ठीक है, जाएगा डी वन जीरो डी टू, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा तुम्हें, और यहाँ से देखो नंबर ऑफ जीरोस का बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बनता है, है ना? नंबर ऑफ जीरोस का बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, और वो मतलब कि लोग बाग उसे रटते हैं, हमें रटना नहीं है चीज़ों को, एट द एंड हमें कोई भी रटना
नहीं है, क्यों नहीं रटना मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा एक मैट्रिक्स और लिखता हूं मैं, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है? आप कहोगे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? अब मैं तुम्हें कलाकारी बताता हूं। एक बात बताओ, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर तुम, मैं हेडिंग लिखवा देता हूँ, हेडिंग डालो इसके अंदर, इसके अंदर हेडिंग डालो, नो रिमार्क लिख लेना, ये रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरो का रिमार्क के, यहाँ लिखना डायगोनल मैट्रिक्स, इसको ऐसे करके यहाँ लिखना मिनिमम नंबर ऑफ जीरो और यहाँ लिखना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। एक बात बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो तुम्हें इसमें मिलेंगे या इसमें मिलेंगे, पहले वाले में मिलेंगे या तीसरे वाले में? पहले वाले में मिलेंगे, कोई भी बता देगा पहले वाले में क्या मिलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। अच्छा इसका ऑर्डर अगर 3 × 3 है, यानी कि ऐसा कह सकता हूँ मैं n × n, हाँ है ना? अच्छा 3 × 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? 6 होंगे। अब गलत बता रहा हूँ, 9 होंगे, 3 × 3 = 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर? 9, हाँ है ना? गिन भी लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सारे तो जीरो होने चाहिए, हाँ है ना? तो 9 में से मैं कितने कटाऊंगा? 3, और दिखाई दिए होंगे 6, लेकिन मैं तुमको यहाँ फॉर्मूला दिखाऊंगा। अब मैं एन को क्या लिख सकता हूँ? एन स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ है ना? एन इंटू एन क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस एन, एन ही तो घटा रहे हो, समझे? तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बना देख लेंगे भाई, एन स्क्वायर माइनस एन, और इसे ऐसे भी लिखते हैं एन माइनस वन, एन एन माइनस वन, समझे बात को, क्लियर होगी। अच्छा अब एक बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इसमें होंगे या नहीं होंगे? अच्छा मैं इसे ऐसे लिख दूं, एन स्क्वायर माइनस वन, किसी को आपत्ति है? आपको भी बिल्कुल नहीं है जी, हाँ है ना? एक ही तो छोड़ के बाकी सारे तो क्या है? जीरो हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? एन स्क्वायर माइनस वन, समझ आई बच्चों बात? क्लियर होगी बात? तो आप कहोगे यस सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम इसे रट्टा मरवाओगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ये होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ये होंगे, तुम रट लोगे लेकिन कभी भी समझ नहीं आएगा। रटना नहीं है गणित, रटने की चीज़ तो है नहीं भाई, मैथ्स कभी भी रटने की चीज नहीं है, है ना? सीखने की चीज़ है मैथ, समझ रहे हो बात को? बिल्कुल समझ लो। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर हमने क्या करा, क्लासीफाइड करा हमने डायगोनल मैट्रिक्स को, क्या करा हमने फर्दर? क्लासीफाइड करा हमने डायगोनल मैट्रिक्स को। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोगों ने जो क्लासीफाइड करा, तो वो दो पार्ट में करा भाई। डायगोनल मैट्रिक्स को जो हमने क्लासीफाइड करा कितने पार्ट में करा? दो पार्ट में। नंबर वन पहला पार्ट जो रहा वो रहा हमारा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। नंबर दो जो हमारा पार्ट रहा वो रहा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा एक का सही बात और बताता हूं, जब हम अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए? डायगोनल होना चाहिए। इसमें क्या होगा? के जीरो जीरो, जीरो के जीरो, जीरो जीरो के, है ना? और ये इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3। यानी कि ये जो सबके सब एलिमेंट है ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम का मतलब कुछ कुछ, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए कि सर ये 5 हो ये 10 हो। अबे 5 10 के बराबर नजर आता है तुमको? 5 10 के बराबर है, यानी कि सबके सब में क्या होना चाहिए था? 5 ही होना चाहिए था,
है ना। अगर 5 है तो सबके सब में क्या होना चाहिए, 5। अगर 10 है तो सबके सब में क्या होना चाहिए, 5, है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, यानी कि A11, A22 और A3 की 3 क्या होने चाहिए, एक सब हमेशा किसके बराबर होने चाहिए, के के। और के किसके बराबर नहीं होने चाहिए, 0 के। समझे भाई, हाँ है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे अगर मैं कोई भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा बी और बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे 1 0 0 0 1 0 और ये कितना हो जाएगा 0 0 1। जब हमारे डायगोनल के एलिमेंट कितना हो जाए, 1 1 हो जाए, उसे को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिट मैट्रिक्स, है ना। इसी मैट्रिक्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब एक चीज, एग्जामिनर जब तुमसे क्वेश्चन पता करेगा तो वो स्टेटमेंट टाइप में पता कर लेगा, और स्टेटमेंट टाइप में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हम बता सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पता करता हूं कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ है ना, तो ऐसा नहीं है। क्या सबकी सब स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएंगी, नहीं। लेकिन जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी वो सबकी सब क्या बन जाएंगी, स्केलर बन जाएंगी। भाई समझ आ गई नहीं बात, क्लियर है। तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता जाता है। समझ गए बात को, क्लियर हो गई बात, हाँ है ना। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्टेटमेंट जब टाइप क्वेश्चन बनेंगे ना तो तुम कॉन्सेप्ट वाइज बड़े अच्छे होने चाहिए। यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। अब ऐसा मान के चलो 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं एनडीए के एग्जाम में जो स्टेटमेंट टाइप पूछना चाह रहा है वो तुमसे, तुम पढ़ो ध्यान से, फिर देखो यार ये बात प्रैक्टिकली है या नहीं है, ऐसा सही में है या नहीं है, करके देख लो उसके एक दो एग्जाम्पल। समझ रहे हो, अगर उसके एक दो एग्जाम्पल में तुम्हें बात सेट लगती है तो बिठा लो, नहीं लगती तो नहीं है। क्लियर होगी बात, ठीक है बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई मेरे हेडिंग डाल लेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी स्क्वायर होना जरूरी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, हाँ ना। फर्दर अगर हम बात करें इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, भाई देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखेंगे। उसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं कि एक मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो A11, A12, A23, 0, है ना, A22, A23, 0 0, A33। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 × 3, है ना। ये क्या है, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है भाई ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक चीज और देखो इसमें, अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसे ध्यान रखेंगे, इसमें आई है ना, जे से जब तक बराबर होगा या बड़ा होगा जे आई से, है ना, समझ रहे हो। तो देखो जब आई जे से बड़ा होगा, है ना, ए आई जे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, समझे। अच्छा जैसी आई बड़ा हो गया जे से तो ए आई जे किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के। समझ गए बात को,
जब भी जे बड़ा होगा किससे, आई से, या बराबर होगा तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही आई बड़ा होगा किससे, जे से, तो ए आई जे क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। समझ गया बात को, आप कहोगे सही बात है, क्लियर है नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर मैं बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो जैसे एक मैट्रिक्स है ए वन वन जीरो जीरो, ए वन वन जीरो जीरो, और ये ए टू वन ए टू टू जीरो, ए थ्री वन ए थ्री 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 टू ए थ्री थ्री, ऑर्डर बोलना भाई इसका थ्री इंटू थ्री, ऑर्डर कितना आया इसका थ्री इंटू थ्री। अब एक चीज का और ध्यान रखो, यहां अगर मान लो जे बड़ा है आई से, जे बड़ा है आई से, तो ए आई जे क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। समझिए बात को, क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और देखो, अगर यहां क्या है आई बड़ा है किससे, जे से, या इक्वल है, ए आई जे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए आई जे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, हाँ है ना, किसी को डाउट है इसमें, नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पे। अब मैं रिमार्क जो लिख रहा हूँ उस पर बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे एक छोटी सी बात पता करना चाह रहा हूँ, तुम्हें अगर दिक्कत ना हो, मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करना चाह रहा हूँ तुमसे, देखो ऊपर उठ के बात करने की वजह यह है, देखो अगर मैं ऊपर उठ के बात करने की बात कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी बात को तुम समझो, अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पता करने की कोशिश करो, मिनिमम नंबर जीरो और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, बोलो। तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पे एक बात बताओ, मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि ये वाली जो बात है ये, हाँ पहली बात तो इसे क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन, हाँ है ना, तो क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर, ठीक है, पक्की बात है नहीं है, पक्की बात है या नहीं है, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, माइनस एन कर दिया जाए, है ना, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अच्छा अगर मैंने एन पूरे, तो एन हो गए इसमें से एक हटा दिए तो कितने हो गए, एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर में से अगर मैं एन घटाऊंगा तो मेरे बचे हुए जो होंगे, देखो ध्यान से देख लो एकदम, ये वाले एलिमेंट हुए या नहीं हुए, हाँ है ना, क्या तुमको आधे इधर नजर आए, आधे इधर नजर आए, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो आए नहीं आए, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू टू, समझ गए बात, रटना नहीं है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एन स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला बना किसका, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो का। क्लियर हो गई बात, किसी को दिक्कत है भाई इसमें, हाँ है ना, समझ गए बात को, हाँ है ना, पक्की बात है। और मैक्सिमम तुम्हें पता है ये कितने हो सकते हैं, तीन ही हो सकते हैं, हाँ है ना, मैक्सिमम तो अगर तुम पता करना चाहो तो मैक्सिमम तीन ही हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम भी इससे निकल जाएंगे, मैक्सिमम भी इससे निकल जाएंगे, क्योंकि उतने ही होते हैं, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं तुमसे अगर एक बात पता करने की कोशिश करूँ, क्या बात पता करूँ, कि कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स डाल लो हेडिंग, क्या डाल लो भाई। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ, क्या कहूँ, चलो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ही डाल लो, हेडिंग डाल लो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं जल्दी बताओ कि बात समझ आई नहीं है आपको, समझ आएगी ना, समझ आ ही गया होगा भाई,
कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो भाई अगर मैं बात करूँ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की, तो सबसे पहली बात तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब पहली बात तो तुम्हें किसी एलिमेंट की पोजीशन पता हो। क्या पता हो? किसी एलिमेंट की पोजीशन। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ A12, ये कौन सी पोजीशन है? पहली रो में दूसरा कॉलम, पहली रो में दूसरा कॉलम। इसका कॉन्जुगेट जो होगा ना वो दूसरी रो में पहला कॉलम होगा। उल्टा करके लिख दो भाई, क्या कर दो इसे, उल्टा कर दो, समझ गया बात को। जैसे मैं तुमसे कहूँ 3-2 तो क्या लिख दोगे? 2-3, हाँ है ना। जैसे मैं तुमसे कहूँ 1-3 क्या लिखोगे बे? 3-1। समझ गया नहीं बात को? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है, समझ गया बात को, है ना। ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट है। क्या है इसका? कॉन्जुगेट, समझ गया। सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट है ये मैट्रिक्स, गलत लिखा। कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है भाई। कॉन्जुगेट किसी एलिमेंट का कॉन्जुगेट क्या होगा वो आप लोगों को समझ आएगी। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? यही होगा, समझ गया बात को, ठीक है। हेडिंग डालो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो भाई सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ए इज सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ए को सिंगुलर मैट्रिक्स जब कह सकते हो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए? 0 हो जाए, समझ गया बात को। दूसरी बात देख लेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, समझ गए बात को, है ना। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का डिफरेंस समझ गए ना सब बच्चे, है ना। अब डिटर्मिनेंट अगर एक, देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना वो बार 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 इस बात को ध्यान रखना, वो बार बार ये मतलब लिखेगा और तुमको बेवकूफी करवाएगा तुमसे कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है जब डिटर्मिनेंट ए का क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, है ना, 0 हो जाए, समझ गए बात को। अच्छा डिटर्मिनेंट के लिए क्या होना जरूरी है? स्क्वायर, समझ गए। और जब अगर डिटर्मिनेंट क्या हो जाए हमारा? नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों इस बात को ध्यान रखो, एग्जामिनर तुमसे बार बार ऐसी चीजों से गलती कराएगा जो आप लोगों से बाहर है, समझ रहे हो, है ना। तो हमें इन चीजों को, ये जो टर्म बार बार यूज कर रहे हैं ना, एक्चुअल में अभी तो देर में ये टर्म मैं जब बोल रहा हूँ तो आप लोग वो टर्म बड़े अच्छे तरीके से याद होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये टर्म क्या हो जाएगी आपके दिमाग से निकलनी स्टार्ट होने वाली है, है ना। बहुत सारा सिलेबस हो जाता है यार, धीरे धीरे सब तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, उस टाइम तक आप लोगों को ये याद करके रखनी है, समझ गए बच्चों। और आज आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच, फिर कल हम मिलेंगे इसी टाइम, है ना। वीरेंद्र दहिया लिख रहे हैं, जी सर, ठीक है दहिया जी, कल फिर मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।